हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल संतु ध्रुव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है हम लोग नए रायपुर में और मैं आज आया हूं आप लोग को मुक्तांगन घुमाने के लिए, जिसको पुरखौती मुक्तांगन के नाम से जाना जाता है, जो रायपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप दुर्ग भिलाई से आ रहे हो तो आपको 70 किलोमीटर पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे छत्तीसगढ़ की पूरी संस्कृति देख सकते हैं। आप यहाँ के जो बस्तर का लाइफ है और जो यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज बने हुए हैं वो पूरी हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अंदर और मैं आपको पूरा मुक्तांगन घुमाता हूँ और आज हमारे छत्तीसगढ़ की पूरी संस्कृति के बारे में बताता हूँ। तो चलिए गाइस। यहाँ चारों तरफ इस प्रकार की कलाकृति बनाई गई है जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की एक झलक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही प्यारी सी कलाकृति की गई है। यहाँ पर ऐसे करके यहाँ बहुत सारे पिलर्स खड़े हुए हैं चारों तरफ, जो बहुत ही शानदार है और आप इसको देख के बहुत मोहित हो जाएंगे। और ऐसे पिलर आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा और बीच में भी बहुत सारी कलाकृति बनी हुई है जो हमारी ट्रेडिशन लाइफ को दर्शाती है छत्तीसगढ़ का। हम देख सकते हैं चारों ओर इसी प्रकार कलाकृति वाली पिलर्स लगाई गई है जो बहुत ही शानदार है और इस प्रकार यहाँ मूर्ति भी बनाई गई है। और यहाँ कई पार्ट है, आप इस तरफ जाएंगे तो इधर गार्डन है जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अब इधर हम लोग और देखते हैं क्या क्या है। इधर लिखा है यहाँ बोर्ड में आमचो गांव, तो इस तरह पूरा गांव की जीवन शैली को दर्शाया गया है कि गांव की जीवन शैली किस प्रकार होती है, हमारे बस्तर तरफ का ट्रेडिशन क्या है, उधर की जीवन शैली क्या है, तो वो सब हम देखते हैं आगे। तो गाइस हम लोग इस तरफ चलते हैं, ये बहुत ही शानदार सा गेट बनाया गया है सिंह डेउड़ी। गाइस इस तरफ चलते हैं, इस तरफ घोटुल माड़िया जनजाति की संस्कृति कला का एक झलक है ये। तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि यहाँ की संस्कृति किस प्रकार थी करके घोटुल की।
ये देखिए गाइस, यहाँ लिखा गया है घोटुल, और ये इस प्रकार के इनके गेट में जिस प्रकार की कलाकृति रहती है खम्भों में। और ये है उन जनजातियों का घर, एक प्रकार का मॉडल है, नमूना। गाइस यहाँ पर है नारायणपाल मंदिर, छिंदक नाग राजाओं के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर का मॉडल है ये, और मैं दिखाता हूँ इस मॉडल को आपको चारों तरफ से। और इस तरफ भी पूरी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित ही यहाँ पूरा रखा गया है नमूने मॉडल्स। तो गाइस आगे और बहुत सारी ऐसे कच्ची घर बने हुए हैं जो हमारे पूरे संस्कृति एवं बस्तर लाइफ को दर्शाते हैं। और यहाँ कोया लोन आवास ग्रह, चलिए चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको भी कोया लोन आवास ग्रह। ये देखिए इस प्रकार पूरे गांव की लाइफ को दर्शाया गया है। तो गाइस यहाँ पर है धुरवा होलेक आवास ग्रह, मैं दिखाता हूँ ये बोर्ड लगा है धुरवा होलेक आवास ग्रह, और यहाँ अभी काम चल ही रहा है। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता गुड़ी ग्राम, देवी देवता का पारंपरिक पूजा स्थल। ये पारंपरिक पूजा स्थल का एक मॉडल है माता गुड़ी करके यहाँ पर लगा लिखा हुआ है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं। लकड़ियों में नक्काशी की गई है और बहुत ही शानदार है ये नक्काशी। और ये है मंदिर माता गुड़ी का। चलिए गाइस अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या है इस तरफ। तो गाइस यहाँ पर है बस्तर का दशहरा विधान चित्रण। गाइस ये ऊपर में जो बना है वो पोलांग मठा है। गाइस ये है बस्तर दशहरे का पुल रथ, बस्तर के पारंपरिक दशहरा एवं पहले दिन के रथ का नमूना। ये पूरा लकड़ियों से बना रहता है। ये देखिए गाइस ये है बारसूर गणेश
की मूर्ति का एक मॉडल है ये, जो बस्तर में है बारसूर। और इस तरफ ऊपर में ढोलक गणेश का साइड, हाँ आपको यहाँ से दिख रहा होगा थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर में जो दंतेवाड़ा के पास ढोलक गणेश है उसका एक ये नमूना है। लेकिन यहाँ जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा क्योंकि पूरी झाड़ी उड़ी उग गई है। आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ, ये विकास सर जा रहे हैं ढोलक गणेश के पास ऐसे चढ़ के झाड़ियों से। आप अगर आप वहाँ भी जाते हैं दंतेवाड़ा में ढोलक गणेश, तो आपको इसी प्रकार पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा चट्टानों के द्वारा। तो ये अब सर चढ़ चुके हैं, गाइस ये यहाँ का है सभा स्थल। यहाँ पर कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और इसके आगे और चलते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ देखने मिल जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर तालागांव के जो शिव मूर्ति है उसका एक मॉडल यहाँ तैयार किया गया है। आपको सेम टू सेम मॉडल तालागांव में देखने को मिल जाएगा, जो बिलासपुर से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर उसका भी एक मॉडल रखा गया है और जो बहुत ही खूबसूरत है ये। चलिए गाइस देखते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ ऐसी रखी गई है। ये है रजवार गृह, सरगुजा के पारंपरिक रजवार आवास, सरगुजा के पारंपरिक रजवार आवास, रजवार ग्रह। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर है। ये तो पूरा रजवार ग्रह है ये। इस तरफ आपको गाइस यहाँ पर है पंथी नृत्य का नमूना बनाया गया एक मॉडल। चलिए दोस्तों यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी नृत्य की जो अपने छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक नृत्य हैं उसकी भी एक झलकियाँ बनाई गई हैं मूर्ति के रूप में। शैल नृत्य है ये, शैला नृत्य। गाइस ये है सुवा नृत्य का पूरा स्टैचू मॉडल बना हुआ नमूना। यहाँ पर राउत नाचा का मूर्ति भी बना हुआ है। प्रोति मुक्तांगन शिला विन्यास 15 सितंबर 2002 में माननीय अजीत जोगी द्वारा शिला विन्यास किया गया था। और यहाँ पर बहुत सारे चेहरे के मुखौटे की स्टैचू या मॉडल या नमूना बोला जाए बना हुआ है, जो
बस्तर जनजातियों में उपयोग किया जाता है उनके नृत्य के समय। तो ये सारे स्टैचू यहाँ पर बने हुए हैं। बहुत सारी जनजातियों के लोहे की प्रतिमा बनी है। तो गाइस आज हमने अपना मुक्तांगन का पूरा सफ़र कंप्लीट कर चुका है। मैंने आपको आज पूरा पुरखौती मुक्तांगन घुमा दिया है और वहाँ क्या क्या जो अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जो मूर्तियाँ रखी गई है वो भी मैंने आप लोग को आज दिखलाया। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं ऐसी कौन सी और जगह की वीडियो बनाऊँ वो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे जिससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल सकेगी। तो गाइस तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।